हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का सभी केैनल चैनल राय एजुकेशन में अंतरचार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंधित आपकी जिलावार सेव गुणांक वाली वीडियोस आपको लगातार मिल रही हैं उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे अमेठी जिले के सेव गुणांक के ऊपर और आपको जिलावार जो सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय गुणांक मिल रहा है तो उसी क्रम में जनरल ओ बी सी एस सी एस टी फिजिकली हैंडी फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन एक एक ग्रुप का आपको वीडियो हर वीडियो में एक एक लोगों का पिन पॉइंटेड सेफ गुणांक आपको देखने को मिल रहा है तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं बन रहा है चार से पाँच मिनट का वीडियो रहता है जिसमें एक एक चीज़ों पर तथ्य जो जिस बेस पर सारी चीज़ें स्टैंड होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियरिफाई कर देते हैं तो जिला वरिता सूची भरने से पहले जरूर इसको देख लें उम्मीद करूँगा कि हमारी जो भी मेहनत है आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने में और आपको अपना भविष्य को सुरक्षित करने में कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलती होगी वीडियो शुरू करूँ उससे पूरा आप सभी से निवेदन कि अगर आप अमेठी जिले के भ्यर्थी हैं उनहत्तर हज़ार भर्ती के तो अपने कैटेगरी को और अपने गुणांग को इस वीडियो के नीचे जरूर मेंशन करिएगा सिर्फ और सिर्फ अमेठी जिले के भर्ती और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब पूरे लगातार जब क्रम स्टार्ट हुआ है पूरे पचहत्तर जिलों के एक एक करके आपको वीडियो मिलेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ठीक है ना लाइक और शेयर आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ बाकी मेहनत मेरी है और लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड हो रही है इसके बाद एक और वीडियो आएगी तो लगातार क्योंकि डेज कम है हमारे पास क्योंकि ऑर्डर आपका रिलीज डेट जो भी है उससे पहले हमको पूरे पचहत्तर जिले कवर करने हैं तो थोड़ी सी मेहनत मेरी ज़्यादा रहेगी बस आपसे ये अपेक्षित है कि अपनी एकजुटता का प्रदर्शन हर वीडियो पे करिएगा अपना प्यार देते रहिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए और एक एक सीट बहुत जरूरी है तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सारी चीज़ को एनालाइज़ करिएगा तो जैसा मैंने बता रहा था इसके पहले मैंने वीडियो आप लोगों का मंडल वाइज सत्रह मंडलों के ऊपर पूरा वीडियो हमने डिस्क्राइब किया था जिसकी प्ले आपको नीचे मिल जाएगी और इन पचहत्तर जिलों की भी प्ले मैंने क्रिएट कर दी है तो पहले नंबर पर आपको पचहत्तर जिलों की प्ले दूसरे नंबर पर आपको काउंसिलिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक एक वीडियो आपको वहाँ पर मिलती है और तीसरे नंबर मंडल वाइज वीडियो आपको मिल जाएगी अब जो है कट ऑफ ध्यान से समझिएगा जो ये आपका सेव गुणांक निर्धारित है ये जब हम मंडल वाइज वीडियो बनाए थे तो उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर यानी किस जिले में कितनी सीटें हैं उसके सापेक्ष हमने बातचीत की थी लेकिन अब ये डिपेंडेंट इसलिए वजह से वहाँ पर आपको हाई मेरिट देखने को मिल रही थी लेकिन अब हम हर वीडियो में तीन चीज़ों को सबसे ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं क्या क्या पहला नंबर ऑफ़ सीट्स दूसरा नंबर ऑफ़ पास कैंडिडेट ऑफ पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट यानी कि यहाँ अमेठी जिले की बात करूँ तो आपके अमेठी ज़िले में नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने संभावित पास्ड हैं और प्रिफ्रेंस ऑफ कैंडिडेट पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या है ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं तो जैसा मैंने आपको मंडल वाइज वीडियो बनाया था उसकी हमने हेल्प ली है और ये हमने मंडल वाइज इसमें आप देख सकते हैं कि आपका अमेठी जिला है और मैक्सिमम लोग जो इसको वीडियो को देखे थे लगभग अभी भी थ्रू आउट देख रहे हैं फोर्टी सिक्स हंड्रेड लोगों ने इसको देखा और कमेंट के अनुसार जो जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं मैं वहीं आपके समय प्रेषित करूँगा कुछ भी ऐसी हवाबाजी वाली बात नहीं करूँगा और इसके अलावा एग्जैक्ट लोग नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा लोग तो इसमें कमेंट नहीं किए थे उस हिसाब से 111 इसमें वोटिंग हुई है 111 यानी कि कह सकते हैं कि 111 लोगों ने रियली इस पर अपना कमेंट दिया है और इसके आधार पर जो हमने एनालाइज़ किया है एक छोटा सा ये सबसे न्यूनतम गुणांक रहेगा इस हाँ इस चीज़ को आप समझ समझ लीजिएगा कि जो गुणांक हम बता रहे हैं सबसे लोवेस्ट गुणांक है यहाँ पर अगर आप सस्टेन करते हैं तो कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में बिल्कुल बिल्कुल आप बने पड़े हैं तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है तो हमने जो एनालाइज़ किया है मैक्सिमम अगर मैं ये चौथा वीडियो है और आप मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी मैंने बोला था कि नंबर ऑफ एस कैंडिडेट सबसे मिनिमम कमेंट करते हैं और इस वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो पिछली वीडियो में भी ऐसा देखने को मिला था और इस वीडियो में एस टी कैटेगरी के लोग इसीलिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा रीज़न रहता होगा कि इस एस टी की सीटें खाली रह जाती हैं सबसे ज़्यादा जो लोग मैं देख रहा हूँ अभी तक चौथा ये वीडियो है इस क्रम में सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं वो एस मित्रों के आते हैं और जनरल कैटेगरी के फिर इसके बाद आपके ओ के और एक दो आपके पी और फ्रीडम फाइटर ये थोड़ा सा एक दो परसेंट का रहता है तो ये सबसे ज़्यादा ये कुछ आंकड़ा रहा अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट तरीके से मेन चीज़ जो आप लोगों को समझना है आपके सेफ गुणांक को तो अमेठी जिले की बात करें तो अमेठी जिले में संभावित जो सीटें हैं पिछली भर्ती के लगभग ही अपनी अड़सठ हज़ार पाँच सौ और उन हज़ार लगभग सेम सेम रहती है तो उतना ही डिस्क्राइब दोनों में बराबर बराबर सीटों का विभाजन हो सकता है तो संभावित सीटों की बात करें तो यहाँ पर ग्यारह सौ सीटें हैं आपकी संभावित और उसी क्रम के आधार पर जो संभावित सेफ गुणांक हमने निर्धारित किया है वो आपका ये है कि जनरल कैटेगरी के हैं आप तो आपका गुणांक अगर चौंसठ दशमलव छः 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 या इसके आसपास का है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए बिल्कुल फिट हैं बिल्कुल परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है वहीं अगर आप ओ हैं और आपका गुणांक है बासठ दशमलव चार आठ आठ बासठ दशमलव चार आठ आठ बिल्कुल आप सेफ हैं यहाँ पर वहीं अगर मैं एस और पी मित्रों के एक साथ बात करता हूँ तो अगर आप एस हैं या पी और आपका गुणांक है उनसठ दशमलव एक एक तीन या इसके आसपास का तो बिल्कुल आप सेफ़ रहेंगे उनहत्तर हज़ार भर्ती के लिए बात करता हूँ और वहीं एस टी मित्रों की बात करूँ अगर आपका गुणांक आप एस टी हैं और आपका गुणांक तिरपन दशमलव दो एक नौ या इसके आसपास का है तो बिल्कुल आप सेफ हैं वहीं फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन की मैं तो एक साथ बात करता हूँ जैसा आप सभी को पता है तो जिला अमेठी के लिए ग्यारह सौ सीटों के सापेक्ष जो फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विस मैन हैं उनकी अगर कटाव की बात की जाए तो उनसठ दशमलव एक एक आठ या इसके आसपास का कटाव बिल्कुल 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 सेफ आपके लिए गुणांक रहने वाला है तो मित्रों ये हमारी तरफ से कोशिश रही आप लोगों के अमेठी जिले के ऊपर सेफ गुणांक आपको बताने की और लगातार हम देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारी चीज़ें चल रहे हैं अब ए से शुरू कर रहे हैं तो ए से लास्ट तक हम वी तक जाएंगे वी कौन सा आपका वाराणसी लास्ट तक है तो इसी क्रम में आपको वीडियो मिलती रहेगी परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है आपका भी नंबर आएगा हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक दिन आपको चार से पाँच वीडियोज़ तक प्रोवाइड कर दें ताकि जल्दी हम लोग इन सारी चीज़ों को निर्धारण कर सकें और कोशिश रहेगी कि लास्ट में ओवरऑल वी वीडियो आपको मिलते रहें तो अमेठी जिले के जो भी अभ्यर्थी हैं कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो को शेयर अगर आप अमेठी जिले के नहीं हैं तो शेयर करके जरूर व्हाट्सअप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में पहुंचा दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा चैनल पर हैं तो चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना प्यार देते रहिए हमारी मेहनत के अनुरूप वीडियोज़ लेते रहिए बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच